80 करोड़ गरीबी से करते हाहाकार, 100 करोड़ बेरोजगार, 120 करोड़ महंगाई से लाचार, दुखी सब परिवार, फिर भी कहते हैं उनका परिवार। उसपे हमको क्या कहना, हमको तो कहीं जाना है नहीं, हम तो जहाँ हैं वहीं हैं, जिनको आना होगा वो ना बताएंगे, और तब की बात है। भूषण शरण सिंह ने कहा है कि मैं जी का परिवार, भूषण शरण सिंह जितने महिलाओं का शोषण का आरोप है, उन्होंने भी कहा है कि मैं भी मोदी का परिवार हूँ। अब देखिए, अब इस पे ज्यादा कुछ तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे, 80 करोड़ गरीबी से करते हैं हाहाकार, 100 करोड़ बेरोजगार, 120 करोड़ महंगाई से लाचार, दुखी सब परिवार, फिर भी कहते हैं उनका परिवार। दोबारा हम पढ़ देते हैं, 80 करोड़ गरीबी से करते हाहाकार, 100 करोड़ बेरोजगार, 120 करोड़ महंगाई से लाचार, दुखी सब परिवार, फिर भी कहते हैं उनका परिवार। मतलब मुद्दे की बात होनी चाहिए। पिछले बार चौकीदार हो गए थे, अब जो है परिवार हो गए हैं, ये इससे नहीं, आपको बताना होगा कि आपने कितने रोजगार दिए, आपने कितने कारखाने दिए, आपने महंगाई कम किया कि नहीं किया, आपने पलायन रोका कि नहीं रोका, आपने क्या इंडस्ट्री निवेश बिहार के लिए क्या लाया, आपको इस मुद्दों पर जो है कितनी गरीबी आपने हटाने का काम किया, आपको इन मुद्दों पर जो है लोगों को बात करनी चाहिए। जो बयान दिया था परिवार को लेकर के, मोदी पर जो सवाल खड़ा किया था, ये ओछा बयान है, इस तरह के बयानों को नहीं देने चाहिए। इस पर तो सारा बात आ ही गया है, इस पर क्या कहना, कुछ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हूँ क्या। एक कोई समझ में नहीं आ रहा कौन क्या बोल। हम तो बोले भाई बातचीत चल रही है, एनडीए से पहले हम लोगों का हो जाएगा, लेकिन आप देखिएगा जो लिस्ट भाजपा का निकला बिहार का, तो किसी का नहीं निकला। कल सुप्रीम कोर्ट, हाँ बीजेपी में बिहार में एकों को टिकट बांटा, जरा नामो बताइएगा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, अभी उन्होंने एक बयान दिया जिसमें आप बताए बच्चे तेजस्वी यादव। अब इसमें क्या कहे, मेरी खुद की बेटी है, हम पिता भी तो हैं, अब इस पे क्या बोल रहा हूँ। 2019 में चौकीदार छोड़ने के बाद एक कैंपेन शुरू हुआ, मैं भी चौकीदार, अब लालू जी के भाषण के बाद परिवारवाद पे फिर से एक कैंपेन शुरू हो गया, मैं मोदी का परिवार, क्या लगता है कि फिर से 2019 रिपीट होने वाला है? चलिए अब आप लोग मानते तो है लालू जी के बाद का असर पड़ता है, बट वो अब हर जगह आप वो कहे, वो उनका कहना है, लेकिन क्या हालात है इस देश के, जो वो कह रहे हैं उनका परिवार, क्या किसान के लोग लाठी से पिटा रहे हैं, क्या वो उनका परिवार नहीं है? अपने परिवार के साथ कोई इस तरह का काम करता है क्या, पिटवाने का, मिलने का समय नहीं है किसानों से, क्यों नहीं मिल रहे भाई? क्या किसान खाली कहने के लिए परिवार है? कथनी अकड़नी में तो अंतर है। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।